हे गाइस, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में, जहां आपके सामने खड़ी है बजाज की पल्सर 150, जो कि बजाज की सबसे टॉप सेलिंग बाइक्स में से एक है, जिसमें हाल ही कलर चेंज वगैरह किए गए हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये आपको मैट ब्लैक कलर के साथ आती है। इसी में और भी कलर्स आते हैं, मैट वाइट, मैट ब्लू, मैट रेड, ये कुछ कलर्स इसमें आपको नई ऐड की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पल्सर 150 में आपको क्या क्या फीचर्स स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। बाकी अगर बॉडी लैंग्वेज या डिजाइन लैंग्वेज की बात करें तो इसमें आपको किसी तरह के चेंजेस वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही आपको इसमें इंजन के पावर वगैरह में किसी तरह के चेंजेस मिलेंगे, ना ही आपको माइलेज में मिलेंगे। बट चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर की जाती है, इसकी क्या प्राइस पड़ती है और ये आपको क्या माइलेज वगैरह देती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से। फ्रंट में इसमें आपको हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प मिलते हैं। कंपनी को इतने सारे अपडेट के साथ इसमें कम से कम LED हेडलैम्प ऐड कर देनी चाहिए, जिससे ये और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो जाती अपने इस सेगमेंट में। बट चलिए कोई बात नहीं, तो आपको बताया कि इसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलता है, साथ में ये जो आपको पायलट लैम्प है ये भी आपको हैलोजन वाले ही मिलता है, और इंडिकेटर्स जो है वो भी आपको नॉर्मल हैलोजन वाले ही दिए गए हैं, क्योंकि आप शुरू से इसमें एक ही तरह के इंडिकेटर या हेडलैम्प वगैरह की जो डिज़ाइन है वो देखते आए हैं। अब वहीं फ्रंट में देखें तो फ्रंट में यहाँ पर आपको मेडिगार्ड के ऊपर कार्बन फिनिश दी गई, जो कि वी शेप में यहाँ पर आकर एंड हो जाती है, और ये आपको डुअल टोन कलर के साथ आती है। ये जो है शाइनी ब्लैक है, और इस साइड आपको मैट ब्लैक कलर की ये आधी आपको इसमें मेडिगार्ड मिलती है। वहीं फ्रंट में देखें तो फ्रंट में इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। ये बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, जिसकी फ्रंट में आप ABS रिंग इस साइड देख पा रहे होंगे। और वही अगर बात करें इसके फ्रंट वाले डिस्क प्लेट रोटर की साइज़ की, तो ये आपको 280mm की मिलती है। वहीं अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की, तो ये फ्रंट में आपको इसमें 90x90 सेक्शन के नॉर्मल वाले इसमें आपको टायर मिलते हैं, जो कि MRF की ओर से हैं। अब रियर की ओर चले तो रियर में आपको इसमें डुअल टाइप वाले सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि इंडोरेंस की तरफ से है। साथ में ये आपको नाइट्रोक्स वाले गैस चार्ज हैं और 5-way एडजस्टेबल भी है। वहीं रियर वाले डिस्प्ले रोटर की साइज़ की बात करें तो ये आपको 230mm की मिलती है, और ये आप देख पा रहे होंगे आपको लग रही होगी ABS रिंग, बट ये जो है आपको एंटी लिफ्टेड वाली सेंसर लगी हुई, यानी अगर आप ब्रेक फ्रंट वाली जोर से लेते हैं तो ये जो रियर व्हील जो है वो लिफ्ट नहीं होगी, उससे रिलेटेड आपको इसमें आपको ये सेंसर दिए गए हैं। वहीं रियर वाली अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको रियर में 120x80 सेक्शन के ये भी आपको नॉर्मल वाले टायर दिए गए हैं। अब सीधे चलते हैं इंजन की ओर। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 149.5 cc की नॉर्मल वाली एयर कूल्ड वाली इंजन मिलती है। इसमें किसी तरह का आपको लिक्विड कूल्ड या फिर ऑयल कूल्ड इंजन नहीं दिए गए हैं, जिसकी पावर आपको 13.8 bhp का पावर और टॉर्क 13.25 Nm का प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको किसी तरह के किक नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको सेल्फ से ही स्टार्ट करने पड़ते हैं। साथ में ये आपको फ्यूल इंजेक्टर वाले सिस्टम के साथ आती है। और इस साइड देखें तो इसमें आपको जो गियर पैडल है वो आपको वन साइडेड वाले मिलते हैं। इसमें आपको टोटल 5 gears मिलते हैं। अब माइलेज की बात करें तो इसकी माइलेज अराउंड 40-45 km/L है, अगर आप अच्छी से ड्राइव करते हैं तो। बाकी इसकी एग्जॉस्ट देखें तो ये आपको कार्बन मैट कलर के साथ फिनिश के साथ आती है। इसके ऊपर जो आपको कवर लगी हुई, जो कि हीट से प्रोटेक्ट करती है पिलियन को, वो भी आपको ब्लैक कलर के साथ ही आती है, जो कि आपको नॉर्मल में आप देखें तो ये आपको क्रोम वाले मिलते हैं। अब सीधे बात करते हैं इस MID की। बट MID से पहले इस साइड देखें तो ये आपको स्विच गियर वगैरह नॉर्मल जो शुरू से आते जा रहे हैं ये आपके पास स्विच हो गए। ये आपके हाई बीम, लो बीम, ये इंडिकेटर से रिलेटेड, नीचे वाले आपके हॉर्न से रिलेटेड, और इस साइड आपको इंजन किल स्विच, ये आपको इंजन के जो सेल्फ या इंजन स्टार्ट स्विच मिलते हैं, और ये हैंडल बार कुछ इस तरह के दिए गए हैं। अब इसकी बात करें तो इसे यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल बटन दिए गए हैं, बाकी इसके नीचे कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह भी आपको दी गई है। ये देखें तो ये इंडिकेटर से रिलेटेड, ये आपके न्यूट्रल से रिलेटेड है, और उसके बगल में आपको ये देख पा रहे होंगे ये आपको हाई बीम से रिलेटेड, और इस साइड आपको ABS की वार्निंग लाइट आती है। वहीं यहाँ पर देखें तो ये आपको इंजन इग्निशन से रिलेटेड वार्निंग लाइट है, और ये आपको RPM लिमिट की इंडिकेटर दी गई, जो कि रेड कलर की जलती है अगर आप इंजन को हाई रेव करते हैं तो, या फिर ओवर स्पीड के वक्त ये आपको रेड कलर की जलती है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर की।
तो यहाँ पर आप देखें तो ये आपको स्पीडोमीटर मिलते हैं जो कि डिजिटल वाले हैं, और इस साइड आपको IFE लिखी हुई आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो हो गए इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी क्या दे रही है, जो कि हाल ही कुछ दिन पहले इसमें ऐड की गई है पल्सर वगैरह में, खासकर ये 150 वाली मॉडल में। तो ये अगर आपकी बाइक चलती रही उसी टाइम आपको किलोमीटर पर लीटर क्या माइलेज दे रही है वो शो करेगी। और उसके बगल में आपको इस साइड ओडोमीटर मिलते हैं, उसके नीचे साइड में आप देखें तो ये आपको फ्यूल लेवल इंडिकेटर दिए गए हैं। बाकी इसे यूज़ करने के लिए मैं बताया है कि ये बटन है, इसे बढ़ाऊँ तो ये आप देख पा रहे होंगे AFE1 यानी ट्रिप वन जो आ गई। ट्रिप वन में ओवरऑल क्या माइलेज आपको ट्रिप वन में ये बाइक दी है, ट्रिप टू में आपको ओवरऑल क्या माइलेज दी है वो शो कर रही है। नीचे साइड आप ट्रिप टू देख पा रहे होंगे, तो ये आपको नॉर्मल इसमें सिस्टम मिलते हैं, ज़्यादा कोई फीचर्स वगैरह नहीं मिलते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पर की बात। यहाँ इस साइड देखें तो ये आपको कार्बन फिनिश के साथ आती है जो कि मैट कलर टाइप की है। इसमें कहीं कहीं पर आपको शाइनिंग टाइप की कार्बन फिनिश दी गई है। अब बात करें टैंक की, तो टैंक आपको मैट ब्लैक कलर के साथ आती है। इसमें आपको ब्लू कलर भी मिलेंगे, वाइट कलर भी मिलेंगे जो कि आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे होंगे, 180, 220, इन सब के साथ ये कलर्स की ऑप्शन आपको मिलती है। अब टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है, जिस पर आपको लेज़र एडिशन वाले स्टिकर मिलती है। और यहाँ पर भी आप देखें कार्बन फिनिश दी गई है जो कि शाइनी कलर के साथ में ये रेड कलर के इंसर्ट्स के साथ आती है। और यहाँ पर आपको पल्सर लिखी हुई मिलती है 3D वाली, और ये साइड पैनल पर भी आपको कार्बन फिनिश में आती है जो कि बताया जैसा कि ग्लो करती है उस टाइप की। और रियर साइड में भी यहाँ पर पैनल पर आपको सेम इसी तरह के मटेरियल यूज़ किए गए हैं, और रेड कलर के स्टिकर इस साइड मिलती है। अब बात करें सीटिंग हाइट की, तो इसमें आपको 800 mm की सीटिंग हाइट मिलती है जो कि स्प्लिट सीट वाली है। पिलियन की जो सीट है वो थोड़ी ऊंची है। पिलियन को ग्रैब करने के लिए इस साइड ग्रैब हैंडल मिलते हैं, और इस साइड आपको 150 की जो लेटरिंग है या फिर 180 में 180 की जो लेटरिंग है वो चेंज की गई है इसके फॉन्ट्स वगैरह, जो कि आप खुद देख पा रहे होंगे। साथ में यहाँ पर भी छोटी सी आपको स्टिकरिंग दी गई है। तो ये तो होगा स्टिकरिंग वगैरह की बात। बाकी डिज़ाइन लैंग्वेज तो पहले की तरह ही सेम है। इसमें आपको ओपन चैन सिस्टम मिलता है, आपको चैन कवर ये जो है आपको फाइबर वाले मिलते हैं, मेटल वाले नहीं है। साथ में साड़ी गार्ड जो है वो अब कंपनीज जो है वो कंपलसरी कर दिए हैं। और नीचे साइड में इंजन कॉल भी मिलती है, इंजन कॉल पर भी सेम कार्बन फिनिश वाली मटेरियल यूज़ किए गए हैं। तो ये सारे इसके हो गए इससे रिलेटेड बातें। अब बात करें इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस की, तो इसमें आपको 165 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है। साथ में इसकी जो ओवरऑल वेट है वो 140 to 150 kg के अप्रॉक्स इसकी जो वेट है वो आपको इसमें मिलती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस वगैरह की। तो इसकी अगर एक्स शोरूम की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस इन पटना अराउंड ₹1,05,000 के करीब पड़ती है पटना में। बाकी आपको इसमें दो और मॉडल्स आते हैं जो कि स्टैंडर्ड हो गए। इसमें आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलती, जो कि आप इस साइड देख पा रहे होंगे ये आपको स्प्लिट सीट के साथ नहीं आते। साथ में ये वाली जो वेरिएंट है ये आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स के साथ आती है। तो ये हो गए एक। इसी में आपको नियॉन एडिशन मिलते हैं जिसकी भी ये मीन्स तीनों वेरियंट्स की जो एक शोरूम प्राइस है वो आपको डिस्प्ले पर शो हो रही होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक ड्राइव सेफ, बी सेफ।